नमस्कार दर्शकों, इंडिया फर्स्ट न्यूज़ के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं प्रातःकाल का सुविचार। मित्रों, कई बार हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ सोई हुई रहती हैं। उन शक्तियों को जागृत करने के विधान शास्त्र में बहुत सारे दिए हैं। उनमें से एक विधान यह भी है कि यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति की तारीफ करना शुरू करते हैं तो वह गुण हमारे अंदर अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी कोई व्यक्ति मिले, आप उसके अच्छे गुणों को पहचानें, परखें और उनकी तारीफ करें। निश्चित रूप से वह भी आपके अंदर उपस्थित हो जाएगा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं प्रातःकाल का पंचांग। 16 अप्रैल 2019 मंगलवार का आज दिन है। पूर्वा फाल्गुन आज नक्षत्र द्वादशी आज तिथि है। अब देखते हैं आपका दिन कैसा रहेगा। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग अच्छे हैं। प्रतिद्वंदियों पर आप भारी पड़ेंगे और विशेष रूप से जो भी काम आपको करना है, अकेले ही उस कार्य को आप करते रहेंगे और सफल भी हो जाएंगे। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कमजोर रहेगा, लेकिन योजनाएं बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है और भविष्य में क्या काम करना है, कैसे काम करना है, इन सब की आप तैयारी भी कर सकते हैं और आज जो भी कुछ आप प्लान करेंगे निकट भविष्य में वह सही ही सिद्ध होगा। तो वर्तमान समय में जो काम हाथ में आपके चल रहा है उस काम को धीमे धीमे करते रहें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए अपने भगवान के दंडवत प्रणाम करके घर से बाहर निकलें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन बहुत अच्छा और दिन खास भी है। आज आप जो काम करने वाले हैं, लंबे समय से वह काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो कुल मिलाकर आज पेंडिंग काम भी पूरे होंगे, मन में प्रसन्नता भी रहेगी और जो काम करेंगे उसका पारिश्रमिक भी सही समय पर प्राप्त हो जाएगा। और आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए हलवे का भोग लगाकर बच्चों को अवश्य बांटें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होने से मन में जो भी संशय चल रहे हैं, काम के शुरू होने के, नहीं होने के, लोगों से बात करने के, जो धन से संबंधित हैं, वह सब संशय आज मिट जाएंगे और व्यक्तिगत रूप से आज जो भी काम करेंगे उसमें सफलता दोपहर के बाद अच्छी मिलेगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, सफलताएं अच्छी मिलें, घर के नौकरों को मिठाई अवश्य खिलाएं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। मानसिक रूप से आज आप सशक्त रहेंगे, पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से आप कार्य करना शुरू करेंगे और उसमें सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज मेहनत अवश्य अच्छी लग रही है, लेकिन आपको लाभ भी अच्छे ही मिलेंगे, इसलिए निश्चिंत रहकर मेहनत करते रहें। आज के दिन के लाभ को और भी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ध्यान अवश्य करें। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा खर्चीला है, मुझे लग रहा है आज आप जिन वस्तुओं पर खर्च करने वाले हैं वो परिजनों की मर्जी से होगा, इसलिए परिजन तो प्रसन्न रहेंगे पर आपकी पॉकेट खाली हो सकती है। और धन के अलावा यदि हम यात्राओं को देखते हैं, ऑफिशियली काम को देखते हैं, वहाँ आप सफल होंगे। आज आपको सफलताएँ अच्छी मिलें उसके लिए अपने मित्रों को मिठाई खिलाना नहीं भूलें। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन अच्छा है और आज का ही दिन आपके पास है जो आप पेंडिंग कार्य पूरे कर सकते हैं, अन्यथा अब जो काम अधूरा छूटेगा एक महीने तक पूरा नहीं होगा, इसलिए अधिक से अधिक कार्य आज रात्रि 11 बजे तक संपन्न कर लें। आज काम भी संपन्न हो, दिन भी अच्छा रहे, उसके लिए हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अभी 4 दिन और अच्छे हैं, आप सफल भी होंगे, काम भी आपके बहुत अच्छे होंगे। व्यक्तिगत रूप से आज आपके कामों में आपका मन भी लगेगा और उस कारण से जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं यह आज बहुत कुछ सॉल्व हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए रंगीन वस्त्र पहने। धनु राशि के व्यक्तियों को आज व्यावसायिक सफलताएं अच्छी मिलेंगी। आज आपको व्यापार व्यवसाय के अलावा या नौकरी में प्रमोशन के अलावा अधिक कुछ नहीं सोचना चाहिए, उसी कार्य को संपन्न करना चाहिए, क्योंकि जितना आप एकाग्र रहेंगे उतनी अच्छी उतनी जल्दी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन की सफलता के लिए जब आप घर से निकलें थोड़ा सा दही गुड़ खा कर निकलें। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन तो अच्छा है, लेकिन आज मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और मुझे लग रहा है आज आपको अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी, मित्र लोग चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज सोचकर ही जाएं कि मुझे ही काम करना है, तो थोड़े से काम कम रखें परंतु आज कार्य
करते रहें। आज के दिन की सफलता के लिए अपने भगवान के दर्शन करके निकलें। कुंभ राशि के व्यक्तियों का अच्छा दिन है और व्यक्तिगत सफलता परिवार के मामले में मिलने वाली है। परिजनों से कोई मतभेद चल रहा है तो आज मतभेद दूर होगा। और परिवार में कहीं कोई मांगलिक कार्य की चर्चा चल रही है तो वह फाइनल हो सकती है, तो परिजनों के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा, आपके माध्यम से परिजनों को लाभ मिलेगा। और व्यावसायिक क्षेत्रों में आज थोड़ा सा काम स्लो रहेगा। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए पीले रंग के वस्त्र पहने। मीन राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा दिन है। विशेष रूप से आज आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अच्छी सफलताएं मिलेंगी और मित्रों की भी आप बहुत अच्छी सी मदद कर पाएंगे। आज आप जो भी कुछ कर रहे हैं थोड़ा सा धैर्य और संयम के साथ करते रहें, सफलता निश्चित है। और आज के दिन के अच्छे लाभ लेने के लिए हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। मित्रों, यह था आपका दैनिक राशिफल। अब देखते हैं आज का रामबाण। मित्रों, आज के रामबाण में हम बात कर रहे हैं, यदि आपके कार्य बार बार अटकते हों, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करने जाता है और उसमें कहीं ना कहीं कोई एक रोड़ा अटक जाता है, कहीं कोई विवाद खड़ा हो जाता है, कहीं कोई व्यक्ति अड़ंगा लगा देता है, ऐसी स्थिति में यदि कहीं आपके साथ दिक्कत आती हो तो मारुति नंदन हनुमान जी के मंदिर में श्रीफल रखकर उस कार्य को प्रारंभ कर देना चाहिए। आपको लाभ अवश्य मिलेगा और कुछ दिन के बाद ये दोष मारुति नंदन जी की कृपा से दूर हो जाएगा। मित्रों, आज इतना ही, कल पुनः भेंट होगी, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।